class. How are you? I hope you are all fit and fine. Sixth class. हमारा ज्योग्राफी का लेसन 7 आर कंट्री इंडिया. हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसके बारे में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था और थोड़ा पढ़ा भी था. मैंने बताया था ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है, तो इसमें हम पढ़ना है. आप स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट के इंट्रोडक्शन तो दिया था आपको, थोड़ा समझाया भी था मैंने. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस. इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालय, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ, वॉश शोर और इंडियन पेनिनसुला. पेनिनसुला इट मींस जो कि द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑफ थ्री साइड. तीन साइड से जो पानी से ढका होता है उसे पेनिनसुला बोलते हैं. इंडिया हैज एन एरिया, इंडिया का एरिया बताया था आपको मैंने. देखिए ये आपका इंडिया है, इसे मान के चलिए ये मैप है हमारा. जैसे आपको पीछे मैप भी नजर आ रहा है, वैसे तो यहाँ मैप आपको बता भी रखा है, बट मैं आपको वैसे ही रफली बता दूँ. ये आपका इंडिया है. तो इंडिया में इंडिया जो हैज एन एरिया, देखिए ये एक तो ऊपर की तरफ तो आपका ये तो नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है. अब अपने को ये देखना है कि हिमालय, हिमालय जो सबसे ऊपर होता है, ये हिमालय है हमारा, हिमालय जो सबसे टॉप पे वो हिमालय है, ठीक है. और आपको यहाँ पे मैप में भी दिखा रखा है कि ये तो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ वाटर है, मतलब ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है. इधर आपका अरेबियन सी आ जाता है, अरेबियन. और बे ऑफ बंगाल नीचे अपना इंडियन ओशन आ जाएगा, यहाँ पे नीचे इंडियन ओशन, श्रीलंका से अटैच है तो नीचे इंडियन ओशन हो जाएगा, ठीक है. अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे, मैं इसे समझा रही हूँ. इंडिया का जो एरिया है, ये एरिया जो है जितना इंडिया फैला हुआ है, ये देख रहे हो आप इंडिया की, ये पूरा जितना भी इंडिया है हमारा भारत जो है, उसका जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो आपको लर्न होना चाहिए इंडिया हैज एन एरिया, एरिया कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का एरिया कितना है ये आपको पता होना चाहिए, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ओके. ये आपका होगा एरिया, जो कि द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के नीचे ऐसे फैला हुआ है, नॉर्थ से साउथ के बीच में, ये साउथ हो गया, नॉर्थ टू साउथ कश्मीर टू कन्याकुमारी, सॉन्ग भी है कश्मीर से कन्याकुमारी, इसमें पूरा इंडिया कवर हो जाता है. वो एक्सटेंड हो रहा है इज अबाउट 3200 किलोमीटर, इसका जो जितना डिस्टेंस है ना बीच का, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका कितना डिस्टेंस, 3200 किलोमीटर आपको इतना कवर करना पड़ेगा, तो 3200 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, 3200 किलोमीटर. एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, अरुणाचल प्रदेश यहाँ टू कच्छ, यहाँ गुजरात इधर पड़ता है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट तक फैला हुआ है. ये आपका है अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक का, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और इधर कच्छ, और इसका है 2900 किलोमीटर. तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की, ठीक है. लॉफ्टी माउंटेन ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट भी है. द नॉर्दर्न प्लांट्स एंड द अनइवन प्लेटू सरफेस एंड द कोस्ट आइलैंड प्रेजेंट इन डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म को बांट रहे हैं, आइलैंड भी है, ग्रेट वैरायटी है, क्लाइमेट वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ सब चीज अलग अलग है, और लैंग्वेज सबकी अलग अलग है, देखो कितनी लैंग्वेज बोली जाती है. और इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड, और फिर भी हम लोग एक नेशन है, हमारा जो पूरा नेशन है वो एक है. ध्यान दो याद करने वाली चीजें, लर्न करने की जो लर्न है, और जो तुम्हें होना चाहिए यू शुड बी लर्न, यू शुड बी लर्न, क्या होना चाहिए एरिया, इंडिया का एरिया कितना है ये
किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसको मतलब रन करते रहना। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितना है, 3200 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस है, 3200 किलोमीटर कश्मीर टू कन्याकुमारी। और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक कितना है, ईस्ट टू वेस्ट में 2900 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस में हमारा जो इंडिया कवर हो रहा है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और दूसरी चीज है पॉपुलेशन की, अगर वैसे तो हमारा हम सेवंथ स्थान पे आते हैं, सेवंथ प्लेस पे आते हैं, इंडिया जो है सेवंथ प्लेस पे आता है, लेकिन पॉपुलेशन की मतलब जनसंख्या की, अगर जनसंख्या की से देखा जाए तो हम सेकंड जो है पॉपुलेटेड कंट्री है। सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री मीन्स सबसे पहले क्या आता है, चाइना, उसके बाद हम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन होता है जनसंख्या। जनसंख्या से अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन तो वी आर सेकंड प्लेस, हम कौन से प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे। ओके, अब है लोकेशनल सेटिंग्स। लोकेशनल सेटिंग्स का अब समझते हैं हम लोग। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मैंने आपको बताया था कि देखिए ये तो पूरा अर्थ होता है, अर्थ है ठीक है आपका, मैंने ये बताया था ये इक्वेटर है, आपको इक्वेटर होता है मतलब जीरो डिग्री। अब जो ये जो इंडिया है ना, ये आपका यहाँ पे क्या होता है, बता रखा है आपको मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ठीक है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ, ये तो ऊपर नॉर्थ हो गया, तो इंडिया जो हमारा लाई करता है, ये इंडिया है, ये इंडिया जो है हमारा नॉर्थ में लाई करता है, कहाँ पर लाई करता है, नॉर्थ, ध्यान देना, नॉर्थ में लाई कर रहा है इंडिया। ओके, तो ये कौन सी पे है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23rd, मैंने बताया था ये आपका 23rd डिग्री 1/2 नॉर्थ, ठीक, ये 23rd 1/2 साउथ। ओके, ये पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री, यहाँ पे फिगर में दिखा भी रखा है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेनलैंड फ्रॉम इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ 37 डिग्री नॉर्थ जो है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, लेटा हुआ जो है ये जो जो किस पे है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ पे और 37 डिग्री 6 नॉर्थ पे, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ कितना है, कहाँ से कहाँ तक इंडिया फैला हुआ है। फिर उसके बाद फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड द 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड किस दिस से दिखा जाए, पहले तो मैंने आपको लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब समझ लो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इंडिया है हमारा, जिसमें इंडिया फैला हुआ है, ये जो उसकी लेटी हुई जो लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड में मतलब लंबाई में जहाँ फैला हुआ है ये वो 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट की लॉन्गिट्यूड, और ये ईस्टर्न से वेस्टर्न में डिवाइड हो रहा है, व्हिच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम, इसी वजह से लोकल टाइम में हमारा अंतर पाया जाता है, द डिफरेंट टू पॉइंट्स ऑफ वुड, जैसे कि आपको ये इससे इससे अंतर हो जाता है, डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम में, टाइम में 2 घंटे का 2 आवर्स का डिफरेंस पाया जाता है। As you have learned earlier, the local time changes by 4 minutes and for every 1 degree. 1 degree में 4 मिनट का अंतर होता है। ये पहले वाले चैप्टर्स में आपको मैंने I have told you in previous chapter, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। इसमें मतलब कि 1 degree में आपको 4 मिनट्स का डिफरेंस पाया जाता है, 1 degree में 4 मिनट्स का। The sun rises about 2 hours earlier in the east Arunachal Pradesh. ये देख रहे हैं आप, ये जो इसमें इसमें समझ में आएगा, अरुणाचल प्रदेश में दिखा, द सन राइजेस अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में पहले निकलेगा सूरज, क्योंकि यहाँ पे फोकस होगा भाई, यहाँ पे तो हमारा सन पड़ता है तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पड़ता है हमारा, तो यहाँ तो पहले सूरज निकलेगा, तो 2 घंटे अर्लियर निकलता है, 2 आवर्स अर्लियर देन द वेस्ट ऑफ गुजरात, गुजरात अपना यहाँ पे आ गया कच्छ, ठीक है, तो 2 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है वहां तक सूरज की रोशनी ना, ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए, द सन राइजेस अबाउट
पहले निकलता है अरुणाचल प्रदेश में इन द ईस्ट और देन द वेस्ट गुजरात. यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर व्हाई लोकल टाइम इज लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज बीन टेकन एज इन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. जो हमारा होता है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट से मापा जाता है स्टैंडर्ड. ये हमने पहले चैप्टरों में क्लियर कराया. द मेरिट द दिस मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज आल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. अब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज नेबर्स. इंडिया के नेबर, जैसे हम लोग अपने घर के आसपास हमारे पड़ोसी रहते हैं ना, इसी तरह हम जो हमारा जो इंडिया कंट्री है, ये हमारा इंडिया कंट्री है, तो इसके आसपास भी तो नेबर होंगे ना, उसके पड़ोसी होंगे. तो आप ये पेज नंबर देखेंगे 48 में, देयर आर सेवन कंट्रीज. यहाँ पे हमारी सेवन ऐसी कंट्रीज है जो हमारे नेबर्स में, नेबर में आप पढ़ते स्टार्ट करते हैं. देखिए ये तो आपकी मैक्रोपोलों में बुक की तरफ देखें, लुक एट योर बुक पेज नंबर 48. देखिए इंडिया के बिल्कुल टच में पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, उसके टच में अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान ये हमारे नेबर हो गए. और इधर आ जाएगी नेपाल, नेपाल हमारा नेबर है, भूटान हमारा नेबर है, और ये चाइना सबसे बड़ा, ये जो चाइना है ना, जैसे मान के चलो ये चाइना है, ये हमारी बॉर्डरिंग शेयर हो रही है. बॉर्डर मतलब ये जो हमारा बॉर्डर है ना, ये चाइना और हम लोग घेरे इंडिया घेरा, तो ये बॉर्डर शेयर हो रहा है. बट यहाँ पर ना नेचर ने हमें क्या दे रखा, पहाड़ हिमालय दे रखा है, तो ये लोग इससे नहीं आ सकते. तो ये हमारा नेचुरल जो है, गॉड ने हमें नेचुरल प्रोटेक्शन दे रखी है. नेचुरल प्रोटेक्शन मतलब ये सियाचिन और ये, तो नेचुरल प्रोटेक्शन मतलब कि यहाँ से आ ही नहीं सकते, क्योंकि हिमालय इतना ऊंचा है, हाई है, उस पर कोई चढ़ नहीं सकता. तो ये जो हमारी बॉर्डरिंग है, जो गॉड ने हमें गिफ्ट दे रखी है, हमें प्रोटेक्शन में रख रखा है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन गॉड ने दे रखी है, कंट्री नहीं आ सकता. बट ये हमारा नेबर तो है, ये नेबर मतलब हमारा पड़ोसी तो है, ये चाइना हो गया हमारा पड़ोसी, इधर से नेबर हो गया, एंड इधर से हमारा पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान है ना, ये चाइना, इधर नेपाल, नेपाल भी हमारा एक पार्ट था, बट ये इंटीग्रेटेड डिसइंटीग्रेटेड हुआ, ठीक है. फिर इधर भूटान हो गया, ठीक है, इधर भूटान है, ये भी हमारा पार्ट था, अब ये अलग हो गया. फिर बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ये भी हमारा पार्ट है, और था मतलब पार्ट था, अब तो अलग हो गया, तो ये अब हमारे पड़ोसी देश हो गए, मतलब कि नेबरिंग कंट्रीज. अब इधर होकर म्यांमार, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, हमारे नेबरिंग कंट्रीज होगी. इधर आपका अरेबियन सी, देखो समुद्र है ना, ये अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है. अब इधर देखो लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार, ये भी हमारे आइलैंड है, ये दोनों, ये हमारे इंडिया में ही आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल में ये भी आइलैंड है, ये भी, ये कंट्री कौन सी, मालदीव्स कंट्री, ये कंट्री है मालदीव्स, ठीक है, ये इंडियन ओशन में, ये हमारे पड़ोसी देश है, मतलब नेबरिंग कंट्रीज है. और श्रीलंका ये भी हमारी क्या है, नेबरिंग कंट्री, ये हमारे नेबर है, नेबरिंग कंट्रीज है, ये अपने में ही आइलैंड है, ये आइलैंड है लक्षद्वीप, इंडिया का आइलैंड है, और ये भी अपना अंडमान निकोबार आइलैंड, ये भी इंडिया का, ये दोनों आइलैंड है, ध्यान देना स्पॉट पे, इन पे देखो, ठीक है. अब हमको अपने को क्वेश्चन आए कि भी सेवन कंट्रीज बताओ नेबरिंग, तो आप क्या लिखेंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार. ओके, क्या क्या बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश. ओके, ये हमारी बॉर्डरिंग टच हो रही है हमारी, तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हो गई. अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे क्लियर हो गया ये तो अच्छे से. अब हम मैप देखेंगे, हमें इंडियन पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने हमारी बॉर्डरिंग जो टच हो रही है, ये पॉलिटिकल है, मतलब कि पॉलिटिकल रूप से हम लोगों ने ये बनाया है. और फिजिकल मतलब पहाड़, रोड, ये पहाड़ी जो 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 गॉड ने नेचर ने हमें दिया है, वो फिजिकल है. ओके, पॉलिटिकल मैप आपको लगाना है, और आपको ये मैप भी लगाना है, नेबरिंग कंट्री भी लिखनी है, नेबरिंग कंट्री का मैप भी लगाना है. तो ये दोनों काम आप करोगे इस चैप्टर में, एक तो नेबरिंग कंट्री मैप लेके आएंगे, और उसमें ये वाला इंडिया का नेबरिंग कंट्री लगानी है आपको, ये इंडिया बीच में लिखकर पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे ही लिखा हुआ ऐसे ही लिखना है. और एक मैप और लगाओगे आप इंडियन पॉलिटिक्स.
मौसम जो कि सर्दी और गर्मियों में चेंज होती है। यहाँ पर आपका शिमला, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, ठीक है ना, और ये दिल्ली, दिल्ली तो ये यूनियन टेरिटरीज हो गया। आपको ये आपकी 28 स्टेट्स हैं, आप 29 बोलते हैं बट ये 28 ही स्टेट है और आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज होगी। इसमें चेंजेस हुआ है अभी। अब जो है जैसे तो 29 स्टेट बता रखी है, ठीक है, अब थोड़ा बहुत चेंज, थोड़ा क्या, जब से चेंज ही हुआ थोड़ा चेंज हो गया आपका, ये ऊपर का जो है एक ही पार्ट मान दिया, ये यूनियन टेरिटरी बना दी है। अब ये देहरादून है, ये नेपाल, ये तो हमारा नेपाल कंट्री वो है, पड़ोसी देश है, नेबरिंग है। यहाँ पर भूटान है, अरुणाचल प्रदेश इधर आ गया, लास्ट में बिल्कुल इधर को अच्छा जाएगा, गुजरात है ना, गांधीनगर है, मध्य प्रदेश भोपाल है, ये छत्तीसगढ़ है ना, रायपुर, ये सब आपको फिल करना है, आपको मैप लगाना है, मैप के अंदर आपको सारा कुछ लिखना है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब लिखना है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है, ठीक है, ये म्यांमार है, पड़ोसी देश है, ये ऐजवाल की मिजोरम है, और इम्फाल, मणिपुर, नागालैंड, कोहिमा, इस तरह से आपको लर्न होना चाहिए, ये स्टेट कैपिटल आपको लिखना है। ये आपको मैं ऑफ दिस जब आपको पीडीएफ भेजूंगी तब भी मैं आपको सारी स्टेट्स कॉप कैपिटल लिख के दूंगी, तो आप उसको नोट कर लेना। Of these countries from figure 7.1, how many these countries do not have access to any ocean or sea? Across the sea of the south lie island neighbor Sri Lanka or Maldives. Island neighbor कौन है हमारे? Sri Lanka or Maldives. Sri Lanka is separated from India by the Pak state. नीचे जो Sri Lanka है ना, वो जो state बना रखी है ना, ये पाक स्टेट श्रीलंका सेपरेट, इंडिया से सेपरेट हो रहा है पाक स्टेट, और पाक स्टेट मतलब कि जो समुद्री रास्ते से हमसे अलग हो रहा है, वो एक रास्ते से जोड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पाक स्टेट, ठीक है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, ये कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स, 29 से बांटा हुआ है। अब देखिए अब रिवर्स के बारे में देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए ऊपर तो ग्रेट हिमालय है, ये आपको फिजिकल मैप में देखेंगे, पेज नंबर 50, तो बहुत ध्यान से देखने की वाली है। मैंने बोला ना यहाँ पर हिमालय पड़ता है, यहाँ पर आपका ग्रेट हिमालय, तो ये यहाँ पर ग्रेट हिमालय आ गया। फिर यहाँ पे आपकी शिवालिक, शिवालिक है ये आपका, ये देखो हिमालय तीन पार्ट में बटा हुआ है, तो ग्रेट हिमालय, फिर शिवालिक, और ये नर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, और यहाँ से आपको क्या, ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज रिवर, ये इंडस रिवर है, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, ये डेजर्ट आ गया, अरावली रेंज आ गई, ये है ना, ये चंबल रिवर आ गई आपकी, ये यमुना रिवर है, ये आपकी गंगा है ना, ये है आपकी विंध्य रेंज, सतपुरा रेंज, नर्मदा, तापी, महानदी रिवर, ये आपकी वेस्टर्न आ गए, वेस्टर्न घाट्स आ गए, जिसमें कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया मतलब तटवर्ती एरिया, अरेबियन सी के मतलब तट पे हम लोग मिलते हैं, तट मतलब जिसके पास में, ठीक है, इसमें आपका इधर भी कोस्टल एरिया आ गए, ठीक है, ये महानदी रिवर, गंगा रिवर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ये रिवर के बारे में बता रखा है आपको, ठीक, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी माउंटेन रीजन और प्लेट्यू रीजन और प्लेन रीजन, ये आपको ये दिख रहा है ये खेत, ये मतलब फील्ड, प्लेन रीजन तो ये ग्रीन कलर का है, और ये प्लेट्यूज है ना, ये हमारे पठार जितने भी प्लेट्यूज है, देखो प्लेन तो मतलब, प्लेन तो मतलब ये हो गया सिंपल जिसमें खेती कर सकते हैं, ये तो प्लेन रीजन हो गया, और जो इस तरह से होते हैं ना ये प्लेट्यूज होते हैं, क्या होते हैं, प्लेट्यूज, ओके। और माउंटेन रीजन जो देख रहे हो आप, माउंटेन पर्वत ऊपर जो सबसे टॉप पे और इधर भी नजर आ रहा है आपको, ये माउंटेन रीजन है। अब आप फिजिकल डिवीजन में हम लोग कहते हैं ये स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल, दिल्ली को इसमें नेशनल कैपिटल बना रखा है, जिसमें कि सारे जितने भी हमारे ऑफिशियल वर्क होते हैं वही होते हैं, और ये जो कि अब देखो ये एक बात और समझने की है, सबसे पहले तो आपका क्या आता है, आपका डिस्ट्रिक्ट सबसे जो अपने स्टेट में जो काम करता है वो डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर ये क्या होता है स्टेट है ना, स्टेट जो राजस्थान है वो हमारा स्टेट है, इस तरह से ये हमारी स्टेट हो गई, और सबसे ऊपर जो आ जाता है वो टॉप।
यहाँ देखो उसको पढ़ रही हूँ मैं, स्टैंडिंग एज अ सैंडी नर्स इन द नॉर्थ आर द लो लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय। हिम प्लस आलिया मीन होता है द बॉड ऑफ स्नो, जो कि बर्फ से ढका हुआ है, हिम प्लस आलिया, ठीक है। द हिमालयस माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पैरेलल रेंजेस, अभी बताया था मैंने, द नॉर्थन मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं, ऊपर का भी तीन पार्ट में बटा हुआ है ये हिमाद्री, ग्रेट हिमालयस मतलब हिमाद्री, द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द रेंज, फिर मिडल हिमालय आ जाता है जिसे हिमाचल प्लाइस हिमाद्री बोलते हैं, और पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर हिमाद्री में, हिमाचल में। फाइंड आउट द नेम ऑफ फाइव हिल स्टेशन, शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज, शिवालिक जो है। द नॉर्दर्न इंडियन प्लांट्स लाइव टू द साउथ ऑफ द हिमालय, दे आर जनरली लेवल और फ्लैट, दे आर फाउंड एलुवियल एलुवियल डिपॉजिट लैंड बाय द रिवर्स, जो है अपने साथ एलुवियल डिपॉजिशन लेके आती हैं, जिसमें इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये ट्रिब्यूटरीज ट्रिब्यूटरीज का मतलब है नदियां जो है अपनी जो मेन रिवर है उसके जो पार्ट हो जाते हैं ना उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, और ये सब मिलकर समुद्र में मतलब कि ओशन में जाती हैं, गिरती हैं, तो ये ट्रिब्यूटरीज जिसे बोलते हैं। दीज रिवर बेल्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड कल्टीवेशन, दीज इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन पॉपुलेशन। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सबसे बड़ा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ना, ड्राई हॉट सैंडी, बहुत कम वेजिटेशन है। टू द साउथ नॉर्थन प्लांट्स में जाएंगे तो पेनिसुलर प्लेट्यू है, इट इज अ ट्रेंगुलर शेप में है, रिलीफ हाईली अनइवन है, और ये यहाँ पर बहुत सारे रेंजेस और वैलीज पाई जाती है, जिसमें अरावली हिल्स है, यहाँ पे बता भी रखा है अरावली हिल्स, ये वेस्टर्न है हमारा, ठीक है। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस, सबसे पुरानी अरावली हिल्स, जो कि बॉर्डर से नॉर्थ वेस्ट साइड से फैला होता है, विंध्यास एंड द सतपुरा आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस, द रिवर नर्मदा और तापी फ्लो थ्रू रीजन, नर्मदा और तापी यहाँ से बहती है, अ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन इन द अरेबियन सी, ठीक है, कहाँ खाली होती है, अरेबियन सी में जाके खाली होती है, और वेस्टर्न घाट में ये शायद रीच बॉर्डर ऑफ द प्लेटू इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट में प्रोवाइड ईस्टर्न बाउंड्री, वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन अनइवन प्लेट्यू रिच इन मिनरल, जो कि प्लेट्यू जो है हमारे मिनरल से भरे हुए कोल और आयरन ओर पाए जाते हैं। टू द वेस्ट ऑफ इंडिया वेस्टर्न घाट और ईस्ट ईस्टर्न घाट कोस्टल प्लान में लाए करते हैं, और द वेस्ट अब यहाँ पे देखो यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं हम लोग, एलुवियल डिपॉजिट्स आर वेरी फाइन सॉइल होती है, अच्छी मिट्टी होती है जो रिवर्स अपने साथ लेके आती है, एंड द डिपॉजिट और रिवर अपने बेसिन पे इकट्ठा कर देती है, और ट्रिब्यूटरी मतलब होती है रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूटेड वाटर टू द मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इनटू द मेन रिवर में आकर वो उसकी नदियों के कई सारे लाइंस बन जाती है, इधर से पानी जा रहा है इधर से जा रहा है, और ये द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, बहुत बड़ा द सुंदरबन डेल्टा बना रहे हैं, और द डेल्टा इज द ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, और इट इज अ एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर, नदियों के मुंह की तरफ है, या रिवर एंटर द सी, जहाँ पर सी की तरफ वो एंटर करती है, और पॉइंट उसको बोला जाता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। मैनी गर्ल्स आर नेम्ड आफ्टर रिवर, यमुना, महा, मंदाकिनी, कावेरी, डू यू नो एनीवन, ये तो इस तरह का बता रखा कि नाम भी रख सकते हैं। इधर देखेंगे कॉरल्स, कॉरल्स के बारे में पढ़ते हैं अभी, कॉरल्स क्या होता है पहले देखें, ये पेज नंबर 52 में देखो, कॉरल्स कॉरल्स आर स्केलेटन ऑफ टाइनी माइरेट एनिमल्स कॉल्ड पॉलिपस, ये कॉरल आइलैंड पाए जाते हैं, ये देख रहे हो आप, इसमें किसके लिए स्केलेटन है, स्केलेटन मतलब जो जीव जंतु मर जाते हैं ना समुद्र के अंदर पानी के अंदर, जो जीव जंतु मर जाते हैं तो उनकी बॉडी का जो स्केलेटन है ना एक के ऊपर एक करके वो इस ऐसे शेप ले लेता है, पत्थर टाइप से बन जाता है, आर द स्केलेटन ऑफ टाइनी जो छोटे छोटे मैरिन एनिमल्स कॉल्ड है उसको बोलते हैं पॉलिपस, क्या बोलते हैं पॉलिपस, व्हेन द लिविंग पॉलिपस डाई, जब पॉलिपस मतलब जो जीव जंतु होते हैं जो समुद्री जीव जंतु होते हैं वो जब मरते हैं तो उनके जो स्केलेटन बच जाते हैं, स्केलेटन का ढांचा बच जाता है, अदर पॉलिपस ग्रो ऑन द टॉप ऑफ हार्ड स्केलेटन,
वो कहाँ खाली होती है? बे ऑफ बंगाल, मतलब यहाँ हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो हमारे ईस्ट से वैली मामा नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बे ऑफ बंगाल में आके खाली हो जाती है, मतलब यहाँ पे गिरती है। दीज रिवर्स हैव फॉर्मड फर्टाइल डेल्टास, बनाते हैं अपने माउंट पर डेल्टास बना देते हैं। और सुंदरबन डेल्टा है, इसमें बोला है गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना है ये। यहाँ पे देखो कुछ बच्चों ने डेंजर्स वाटर के लिए कुछ लिखा हुआ है। सुमात्रा स्टार्टेड अ बिग क्वेक बट नो वन हैड एक्सपेक्टेड द सुनामी डिड मेक वेव्स, अभी ये बच्चों ने बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों ने ड्राइंग भी बना रखी है सुनामी किलर वेव्स, किस तरह से सुनामी आता है और कैसे लोग फिर उससे इधर आएंगे। टर्न करेंगे फिर टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड आर सो पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड बताया था मैंने, लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड इन अरेबियन सी। यहाँ पर तो लक्षद्वीप आइलैंड है अपना, और कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। कोरल अभी बताया तो कोरल आइलैंड बोला जाता है यहाँ पे। और अंडमान निकोबार आइलैंड लाई इन द साउथ ईस्ट में इंडियन मेनलैंड बाय द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है, इंडिया के आइलैंड है। और ये बे ऑफ बंगाल, डू यू नो द विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी 2004? फाइंड आउट द पेपर में। अभी इस चीज के बारे में चैप्टर होगा कंप्लीट। सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव होती है, एक तरह की सुनामी जो समुद्र में से आती है, जनरेट होती है, और ड्यू टू अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर्स, समुद्र के जो जमीन होती है ना, फ्लोर होता है, उसके ऊपर से उठती है वो, तो इस तरह से सुनामी आती है। तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ये इसी पे है पूरा चैप्टर बेस्ड है कि इंडिया के बारे में आपको जानना है कि इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके अंदर कहाँ पर क्या स्टेट्स हैं, कैपिटल हैं, है ना, कौन सी नदियां कहाँ से बह रही हैं, तो सारी रिवर्स के बारे में, आइलैंड के बारे में पूरा चैप्टर है। फिजिकल डिविजन कैसे हो रहा है, पॉलिटिकल डिविजन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अपने पूरा आपको ना एक मैप लगा दो अपने घर पे, मैप लगा के उसको लर्न करो मैप, कौन सी चीज कहाँ पर है, ऊपर ग्रेटर हिमालयाज है, नीचे इधर क्या है, इधर क्या है हमारा, कौन सी स्टेट कहाँ लाई कर रही है। तो ये मैप आप ऐसा पॉलिटिकल मैप लेके आओ और अपने घर पे लगाओ पॉलिटिकल मैप, और उसको बार बार पढ़ा करो, इससे क्या आपकी नॉलेज अच्छी होगी और आपको नॉलेज रहेगी कि कौन सा मैप कहाँ पर कौन सी चीज़ है, कहाँ से कौन सा स्टेट है, कहाँ पर क्या चीज़ कहाँ से कौन सी नदी रिवर बह रही है। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज जो होगी बहुत अच्छी होगी, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर 7 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपके इसके पीडीएफ में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके बाद ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी इसके बाद हम बंद कर देंगे, इसके बाद ज्योग्राफी का ये आपका अब इसके बाद नहीं आने वाला कुछ भी, तो ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम सिविक्स करेंगे, सिविक्स का स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में हम हिस्ट्री करेंगे 6th क्लास, ठीक है। अब आपका इस लेसन का पीडीएफ भेज दूंगी मैं, आप वर्क करते रहना, और दो मैप जो आपको बोले मैंने वो दोनों मैप आपको लगाने हैं और उनको फिल करना है, ठीक है। जब भी मैं नोटबुक देखती हूँ चेक करूंगी, जब आपको मैं देख लूंगी, लेकिन आपको मैप लगाने के बाद उसको फिल भी करना है, उसको लर्न करना है सबको, ठीक है। थैंक यू सो मच 6th क्लास।